Hello, my dear students. This is Sarika Saini, and today I am going to teach you chapter 1 of the book Hornbill, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. So this is a very interesting chapter. So first of all, I would like to discuss the title of the chapter. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. Now, what is a portrait? Portrait kya hota hai? पोर्ट्रेट जो है एक पेंटेड या फोटोग्राफ्ड पिक्चर होती है किसी की, उसे जो है पोर्ट्रेट कहा जाता है। और यहाँ पर क्योंकि ये चैप्टर जो है एक लेडी के बारे में है, एक ओल्ड लेडी के बारे में है, सो यहाँ पर हम जो है पोर्ट्रेट का मीनिंग जो है क्या लेंगे, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ समवनस पर्सनैलिटी। सो दिस इज़ अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ कुशवंत सिंह्स ग्रैंड मदर। इस चैप्टर में जो है नरेटर राइटर कुशवंत सिंह ने जो है अपने ग्रैंड मदर के बारे में जो है हमें बताया है। तो दिस चैप्टर इज़ डिवोटेड टू हिज ग्रैंड मदर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, कि मेरी मदर जो है ग्रैंड मदर दूसरी जो है लोगों की ग्रैंड मदर की तरह है, was an old woman. She was an old woman. वो भी जो है एक old woman थी, बूढ़ी lady थी। She had been old and wrinkled for the 20 years. Narrator कहते हैं कि मैं 20 साल से उन्हें जो है old और wrinkled देख रहा था, यानी कि एक जो है पोते की जो अगर नज़र से अगर हम देखें तो उसे जो है उसकी दादी 20 साल से जो है बूढ़ी और रिंकल्ड लग रही थी। दैट आई हैड नोन हर, कि जब से मैं उनको जानता था तब से वो ओल्ड और रिंकल्ड थी। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि जब वो जो है एक बार वो कैसी हुआ करती थी, यंग और प्रिटी हुआ करती थी, यानी कि जवान और सुंदर भी हुआ करती थी। And had even had a husband, और उनके husband भी थे, but that was hard to believe. लेकिन narrator कहते हैं कि मुझे तो जो है इस बात पर यकीन ही नहीं होता, यानी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस बात पर यकीन करना। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो narrator कहते हैं कि मेरे grandfather का जो portrait है, जो उनकी तस्वीर है, वो mantelpiece के ऊपर जो है drawing room में टंगी हुई है। He wore a big turban, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, and loose fitting clothes, और loose कपड़े पहने हुए थे उस तस्वीर में। His long white beard, उनकी बड़ी सी white जो है दाढ़ी थी, covered the best part of his chest, जिससे जो है उनकी chest का बड़ा सा part जो है covered था। And he looked at least 100 years old, और उस तस्वीर में वो ऐसे लगते थे जैसे कि 100 years old हो। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी कभी wife या बच्चे रहे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर वो इतने बूढ़े दिख रहे थे उस तस्वीर में कि ऐसा लगता था कि इनकी wife और बच्चे तो होंगे ही नहीं, इनके बहुत सारे जो है ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात थी, बींग यंग एंड प्रिटी, उनके लिए यंग और सुंदर दिखना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मीन्स क्या होता है, हार्ड टू एक्सेप्ट, जिसको आप इजिली यकीन ना कर सकें, जिसको आप इजिली एक्सेप्ट ना कर सकें, तो आपका मन जो है बार बार ये करता हो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी ग्रैंड मदर के यंग और प्रिटी होने की बात जो है मुझे कैसी लगती थी, कि मुझसे बिल्कुल भी जो है वो बात एक्सेप्ट नहीं होती थी, मैं यकीन ही नहीं कर सकता था। शी ओफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, कि कई बार वो हमें उन गेम्स के बारे में भी बताती थी। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो कि जब वो बच्ची थी तब खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और जब वो हमें ये बात बताती थी तो ये सभी बातें मुझे बड़ी अब्सर्ड लगती थी। अब्सर्ड मीन्स क्या होता है, रिडिकुलस, जो आपको जो है बड़ा ही बेतुका लगे। And we treated it like the fables. Fables means क्या होती हैं, old stories with morals. तो उनकी जब वो अपने बचपन की कहानियाँ हमें बताती थी तो वो हमें जो है कहानियाँ ही लगती थी। कौन सी कहानियाँ, of the prophets. She used to tell her. Prophets क्या होते हैं, धर्म उपदेशक, जो धर्म का संदेश देते हैं। तो वो जब हमें अपने बचपन के बारे में बताती थी तो उनके बचपन के जो किस्से थे वो हमें कहानियों की तरह लगते थे, जो कि सच नहीं लगते थे। So let's move to the next paragraph.
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, कि वो हमेशा ही जो है उनका कद छोटा था एंड फैट, और वो मोटी भी थी एंड स्लाइटली बेंड, और थोड़ी सी झुकी हुई थी, यानी कि वो थोड़ा सा झुककर चलती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके फेस पर जो है रिंकल्स थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके फेस पर इधर से उधर और उधर से उधर जाती हुई सिर्फ रिंकल्स ही दिखती थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें हमेशा यही लगता था, हमें ये पक्का विश्वास था, वी वर सर्टेन, हमें ये पक्का जो है लगता था कि वो हमेशा ऐसी ही होंगी जैसा कि हम उन्हें जानते थे, यानी कि वो कभी जवान नहीं हो सकती, वो हमेशा बूढ़ी ही रही होंगी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे 20 ईयर्स से वो जो है उसी एज पर ठहर गई हो, यानी कि वो जो है उतनी ही बूढ़ी हो. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और अकॉर्डिंग टू द नरेटर उसे क्या लगता था कि वो कभी सुंदर जो है नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन मुझे अपनी दादी हमेशा ब्यूटिफुल लगती थी, यानी कि उनकी जो इनर ब्यूटी थी वो जो है बहुत ज़्यादा थी, यानी कि उनका मन बहुत सुंदर था. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, इन स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि वो जो है बिना दाग धब्बों के बिल्कुल साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहनती थी. और होबल्ड मीन्स हियर वॉक इन एन ऑकवर्ड मैनर ड्यू टू एन इंजरी और पेन, यानी कि वो जो है थोड़ा सा अजीब ढंग से चलती हुई पूरे घर में घूमती रहती थी, और सफ़ेद कपड़े वो हमेशा पहनती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और अपना जो झुकाव था, स्टूप मीन्स क्या है, जो उनका झुकाव था, जिस तरह से वो झुककर चलती थी, तो उसको वो बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ जो है वो अपनी कमर पर रखती थी. एंड द अदर, एंड द अदर मीन्स हियर द अदर हैंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी क्या होती है, देखिए आपने भी घर पे देखी होगी कि नाम जपने के लिए जो माला यूज़ की जाती है फॉर द रिलीजियस पर्पज़, उसे जो है रोजरी कहा जाता है. और बीट्स मीन्स क्या होते हैं, उसके मोती, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक रोजरी है. तो वो दूसरे हाथ से जो है अपनी जो माला थी उसके जो है जो उसके मोती थे उनको जो है गिनती रहती थी, यानी कि नाम जपती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स क्या होती हैं, बालों की लटे, कि उनकी जो सिल्वर कलर्स की सफ़ेद जो है सफ़ेद रंग की जो बालों की लटे थी वर स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी अनटाइटली बुरी तरह से ओवर हर पेल पकर्ड फेस. पेल मीन्स येलोइश डल, और पकर्ड मीन्स क्या होता है, रिंकल्ड. तो उनके रिंकल्ड फेस पर उनके बालों की लटे बिखरी रहती थी. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल मीन्स जिसे कि सुना ना जा सके, यानी कि वो अपने मन मन में जो है कॉन्टीन्यूसली प्रेयर बोलती रहती थी, अपने लिप्स जो है उनको जो है मूव करती रहती थी. येस शी वॉज ब्यूटिफुल, कि हाँ वो सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी लगती थी, उन्हें देखकर कैसे एहसास होता था, ऐसा लगता था जैसे कि सर्दियों में जो है किसी माउंटेनियस एरिया का जो सीन होता है बर्फ से ढका हुआ, जितनी शांति मिलती है तो वही शांति उन्हें देखकर मिलती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरिनिटी, सीरिनिटी मीन्स हियर पीसफुलनेस, कि दूर से दूर तक जो है प्योर वाइट बर्फ जिस तरह से जो है फैली हुई होती है और वो हमें जो है शांति का एहसास कराती है. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स हियर सेटिस्फैक्शन, तो उन्हें देखकर जो है पीसफुलनेस और जो है शांति का एहसास होता था, सेटिस्फैक्शन जो है मिलती थी. सो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जो है अच्छे से इलैबोरेट करके उन्होंने जो है ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अपनी दादी को. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब वो जो है अपनी और अपनी दादी के बीच का जो रिलेशन था उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो उनका रिलेशन कैसा था, दे वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, कि मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ गए जब वो शहर गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से लगातार हम एक साथ थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल
स्कूल के लिए तैयार भी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. और वो अपनी जो सुबह की जो प्रेयर थी, जो आरती और जो है जो भी वो जो है भजन वगैरह गुनगुनाती थी, वो जो है रोज़ रूटीन में वही मोनोटोनस, वही जो है बोरिंग यूजुअल वे में गाती थी. कब गाती थी? व्हाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी. इन द होप, वो क्यों गुनगुनाती थी? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उनकी प्रेयर को सुनूंगा, उनकी जो है भजनों को सुनूंगा और उन्हें मन से याद कर लूंगा. आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी जो है उन्हें याद करने की चिंता नहीं की, यानी कि मैंने कभी उन्हें याद नहीं किया. देन शी वुड फैच, फैच मीन्स क्या होता है? जाना और जाकर लेकर आना. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट लेकर आती थी, जिसे हम जो है तख्ती भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, आज नहीं, आज के टाइम में तो नहीं, लेकिन पुराने समय में जब हम स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो स्कूल्स में जो है, जैसे आजकल स्लेट होती है, आजकल तो खैर स्लेट भी यूज़ नहीं होती, तो प्रैक्टिस के लिए जो है एक वुडन जो है स्लेट हुआ करती थी, जिसे जो है हम हिंदी में तख्ती भी कहते हैं. विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो कि वो पहले से ही वॉश कर चुकी होती थी. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, येलो चौक यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी है. तो जो तख्ती यूज़ किया करते थे पहले स्कूल में, पहले उसको वॉश करते थे, फिर उसके ऊपर जो है वो जो है मुल्तानी मिट्टी से जो है एक लेप लगाया जाता था, और फिर जो है पेंसिल से लाइंस डालकर उसके ऊपर जो है कलम और दवात से लिखा जाता था. तो इस तरह से उसकी दादी उसकी जो स्लेट थी, वुडन स्लेट, उसको पहले से ही तैयार कर देती थी. एंड अ टाइनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल अर्दन इंक पॉट देती थी उसे, एक मिट्टी से बनी हुई. एंड अ रेड पेन, साथ में एक रेड पेन भी देती थी. टाई देम ऑल इन अ बंडल, सबको एक बंडल में बांध देती थी. एंड हैंड इट टू मी, और नैरेटर को दे देती थी. यहाँ पर मी कौन है? नैरेटर. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, तो ब्रेकफास्ट में जो है नैरेटर को क्या मिलता था? एक थिक, मोटी सी, स्टेल मीन्स बासी, चपाती मिलती थी खाने के लिए, विद अ लिटल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट लगा हुआ होता था. वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और मेरी दादी क्या करती थी कि बहुत सारी जो है बासी चपाती जो अपने साथ ले जाती थी विलेज के डॉग्स को खिलाने के लिए. तो आई होप आपको जो है ये पैराग्राफ क्लियर है स्टूडेंट्स. My grandmother always went to school with me. वो हमारे साथ जो है, मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी. Because the school was attached to the temple, क्योंकि स्कूल टेम्पल के साथ ही जो है अटैच्ड था. The priest taught us the alphabet, जो priest था, जो मंदिर का पुजारी था, वही हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे. And the morning prayer, और morning prayer भी वो हमें कराते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. कि जब जो बच्चे जो है वो तो जो है लाइंस में वेरांडा में जो है दोनों तरफ बैठा करते थे, और साथ में जो है वो क्या गा रहे होते थे? सिंगिंग द अल्फाबेट्स एंड द प्रेयर इन अ कॉरस. इन अ कॉरस मीन्स क्या होता है? एक ग्रुप में, एक सुर में मिलकर गाना. तो इस तरह से सारे बच्चे जो है अल्फाबेट्स और प्रेयर गाते थे, और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठ कर जो है मंदिर के अंदर बैठ कर स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं हमारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ा करती थी. When we had both finished, जब हम दोनों का काम हो जाता था, यानी कि जब मेरा स्कूल जो है ख़त्म हो जाता था और साथ में मेरी ग्रैंड मदर का जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने का जो काम था वो पूरा हो जाता था, we would walk back together, तो हम अकेले वापस चल पड़ते थे. This time the village dogs would meet us, हमें village dog मिलते थे रास्ते में इस समय, at the temple door, मंदिर के दरवाजे पर. They followed us, वो हमारे पीछे पीछे आते थे, to our home, हमारे घर तक, growling, गुर्राते हुए, and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जो चपातीज़ हम उनके पास जो है फेंकते थे, वो आपस में उनके लिए लड़ते झगड़ते थे और पीछा करते हुए हमारे घर तक आ जाते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे पेरेंट्स, यानी कि मेरे पेरेंट्स जब जो है सिटी में प्रॉपरली सेटल्ड हो गए, they sent for us. Send जो है सेंड की जो है सेकेंड फॉर्म है. सेंड फॉर मीन्स होता है कॉल. सो सेंड फॉर मीन्स हुआ कॉल. तो हमारे पेरेंट्स ने, यानी कि मेरे पेरेंट्स ने हमें बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंड
फ्रेंडशिप, और वहाँ से ही मेरी और मेरी दादी की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया. अ टर्निंग पॉइंट मीन्स अ बिग चेंज. Although we shared the same room, कि वैसे तो हम दोनों same room में ही रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, लेकिन मेरी दादी अब मुझे छोड़ने school नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus, क्योंकि मैं एक motor bus में English school में जाता था. There were no dogs in the streets, ना ही अब गली में कुत्ते थे. And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, तो मेरी दादी ने क्या किया कि sparrows को जो है फीड करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको जो है दाना और रोटी डालनी शुरू कर दी हमारे घर के आंगन में. यानी कि जब जो है उसकी दादी को जो है डॉग्स नहीं मिलते थे रोटियां डालने के लिए, तो उन्होंने जो है स्पैरोज को खाना डालना शुरू कर दिया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. As the years rolled by means passed by, कि जैसे जैसे साल बीतते गए, we saw less of each other, तो हमारा contact आपस में उतना ही कम होता गया, हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे. For some time she continued to wake me up, कि एक जो है लंबे समय तक, तो कुछ समय तक वो मुझे उठाती थी, जगाती थी. And get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी. When I came back, और जब मैं वापस आता था, she would ask me, वो मुझसे पूछती थी, what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English words, तो मैं उन्हें English words बता देता था. And the little things of Western science and learning, और Western science से related कुछ बातें भी बताता था. The law of gravity के बारे में बताता था. Archimedes principle के बारे में बता देता था. The world being round, और ये world जो है वो गोल है, इसके बारे में बताता था, etc. तो इस तरह से जो है वो अपनी, कि उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा था, उस टीचिंग के बारे में जो है, लर्निंग के बारे में वो अपनी दादी को बताता था. This made her unhappy, उससे जो है दादी नाराज हो जाती थी. She could not help me, क्योंकि वो मुझे help नहीं कर सकती थी with my lessons, मेरे lessons में, यानी कि पढ़ाई में help नहीं कर पाती थी. She didn't believe in the things they taught at the English school, उन्हें जो है English school में जो पढ़ाया जा रहा था उन चीज़ों में उनका विश्वास नहीं था. And was distressed, distressed means परेशान हो जाना. She was sad that there was no teaching about God and the scriptures, कि भगवान के और scriptures, यानी कि हमारे वेद पुराणों के बारे में स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इस बात को सोचकर वो परेशान हो जाती थी. One day I announced, एक दिन मैंने तो आकर घर में बताया, अनाउंस किया, that we were being given music lessons, कि हमें जो है music lessons भी दिए जा रहे हैं. She was very disturbed, तो वो बड़ी परेशान हो गई. To her, क्योंकि उनके लिए, दादी के लिए, music had livid associations. Livid means vulgar. उनके लिए, दादी के according जो है, music को पढ़ाया जाना सही नहीं था, क्योंकि music जो है, वो vulgarity से related था, यानी कि वो music को अच्छा नहीं मानती थी. It was the monopoly of harlots and beggars. Harlots होती हैं prostitutes. तो उनके according जो है, उन्हें लगता था कि जो है गाना बजाना तो सिर्फ जो है harlots, यानी कि prostitutes और beggars का ही काम है. सिर्फ इसके ऊपर उनका ही जो है एकाधिकार है. Monopoly means एकाधिकार. And not meant for gentle folks, और ये जो है सभ्य लोगों के लिए नहीं है, सिविलाइज लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं है. She said nothing, लेकिन दादी ने कुछ नहीं कहा. But her silence meant disapproval, लेकिन उनके चुप रहने का मतलब था कि उन्हें ये सब पसंद नहीं था. She rarely talked to me after that, और उसके बाद वो मुझसे rarely means hardly, मुश्किल से ही बात करती थी, यानी कि बहुत कम बात करती थी. When I went up to university, और उसके बाद जब मैंने अपनी जो है हाईएस्ट स्टडीज़ में करने लगा, यूनिवर्सिटी जाने लगा, I was given a room of my own, तो मुझे मेरा एक अलग से कमरा दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. Snapped means cut off, कि हमारे बीच जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया. My grandmother accepted her seclusion. My grandmother accepted her seclusion. Seclusion means loneliness, अकेलापन, with resignation. तो मेरी दादी ने जो है जो अपना अकेलापन था वो जो है खुद ही स्वीकार कर लिया, चुपचाप स्वीकार कर लिया. She rarely left her spinning wheel.
टू टॉक टू एनी वन. अब उनका क्या काम था कि वो पूरे दिन जो है स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे पर ही बैठी रहा करती थी, यानी कि चरखा ही काटती रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर. तो पूरे दिन वो जो है अपना व्हील स्पिन करती रहती थी, घुमाती रहती थी चरखा और जो है प्रेयर गाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ दोपहर के समय ही वो जो है रेस्ट करती थी और स्पैरोज को खाना खिलाती थी, फीड करती थी. व्हाइल शी सैट इन द वेरांडा, जब वो वेरांडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटल बिट्स, वो जो है ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड राउंड हर, तो बहुत सारी स्पैरोज उनके आसपास बैठ जाती थी. क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग. वेरिटेबल मीन्स रियर, और बेडलम चिरपिंग क्या है यहाँ पर कि बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती थी, इतनी ज़्यादा जो है चिरपिंग नॉइज़ हो जाती थी, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ जो है वहाँ पर हो जाती थी कि सभी जगह जो है चिड़िया की आवाज़ ही गूंजती रहती थी. सम केम, सम मीन्स हियर सम स्पैरोज, तो कुछ स्पैरोज जो है आती थी. एंड पर्च्ड, पर्च मीन्स होता है टू सिट ऑन अ हायर प्लेस. सो सम स्पैरोज केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ स्पैरोज आकर लेग्स पर. एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पे. एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे ही बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी. बट नेवर शूव देम अवे, लेकिन कभी भी उन्हें शूव्ड यानी कि कभी भी उन्हें शू करके भगाती नहीं थी. इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट आर, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये हाफ एन आवर उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशी का जो है टाइम हुआ करता था. शी यूज टू इंजॉय इट अ लॉट. When I decided to go abroad for further studies, narrator कहते हैं कि जब मैंने decide किया कि मैं further studies के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाऊँगा, I was sure my grandmother would be upset. मुझे विश्वास था कि मेरी दादी परेशान हो जाएंगी. I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 years के लिए जाने वाला था. And at her age, no one could never tell, कि उनकी एज में कोई नहीं कह सकता. कोई नहीं कह सकता means here कि कोई नहीं कह सकता कि वो जिंदा भी रहेंगी कि नहीं, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कह सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जो है बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई मेरे जाने पर. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि वो रेलवे स्टेशन भी आई मुझे छोड़ने. बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उन्होंने बात की, ना ही कोई जो है अपने इमोशंस को उन्होंने शो किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में ही जो है मूव करते रहे, यानी कि वो प्रेयर ही करती रही. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मन भी जो है प्रार्थना में ही खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके हाथ जो है उनकी फिंगर्स बिजी थी, वो जो है अपनी माला के मोती फेर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को जो है किस किया. एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं जा रहा था, आई चेरिस्ड, चेरिस्ड मीन्स होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक किसी चीज की जो है याद को अपने मन में जब संजोकर रखते हैं, that is cherished. So I left. I cherish the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. So जब मेरी दादी ने मुझे जो है मेरे माथे पर किस किया, तो उनके जो गीले होठों के जो निशान थे, वो मैं जो है अपने मन में जो है उनकी याद जो है संजोए हुए था, क्योंकि वो मेरे और मेरी दादी के बीच में जो है लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. But that was not so. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नैरेटर को लगा था कि शायद मैं आऊँगा तो मेरी दादी ना रहें, लेकिन ऐसा नहीं था. After 5 years, I came back home. कि 5 सालों के बाद जब मैं घर आया, and was met by her at the station. और जब उनसे स्टेशन पर मिला, she did not look a day older. वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी. She still had no time for words. अभी भी लेकिन उनके पास words नहीं थे, time नहीं था कुछ बोलने का. And while she clasped me in her arms, clasped means होता है hold tightly. उन्होंने जब मुझे जो है अपनी बाजुओं में भरा, यानी कि जब उन्होंने मुझे गले लगाया, I could hear her reciting her prayer. तभी भी वो prayer ही गुनगुना रही थी. Even on the first day of my arrival, जब मेरा जिस दिन मैं पहले दिन जो है घर आया, her happiest moment were with her sparrows. तो भी उन्होंने जो है अपनी sparrows के साथ ही जो है time जो है उन्होंने अपना
लगाया. होम शी फैड लोंगर, जिन्होंने उन्हें काफ़ी टाइम तक खाना खिलाया काफ़ी देर तक. एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स. फ्रिवलस रिब्यूक्स क्या होते हैं? देखिए, रिब्यूक मीन्स होता है डांटना, और फ्रिवलस मीन्स होता है कि जब आप किसी को जो है प्यार से डांटते हैं, यानी कि आप सीरियस नहीं है अपने डांटने में. अफेक्शनेटली आप जब किसी को डांटते हैं, तो वो भी जो है चिड़ियाओं को जो है डांटती भी रहती थी बीच बीच में और उनको खाना खिलाती थी. सो दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हीज ग्रैंड मदर. इन द इवनिंग, और जिस दिन जो है नरेटर घर अपने वापस आए बाहर से, तो उस दिन शाम को क्या हुआ? इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, तो वो एकदम से चेंज हो गई. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की. शी कलेक्टेड द वूमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पास की औरतों को इकट्ठा किया. गोट एंड ओल्ड ड्रम, और उन्होंने जो है एक ओल्ड ड्रम यानी कि ढोलक जो है एक पुरानी ढोलक ली. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और वो जो है गाना बजाना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक. शी थम्ड, थम मीन्स होता है थपथपाना यानी कि बजाना, यहाँ पर बजाना कहेंगे. द सैगिंग स्किन, सैगिंग मीन्स जो लूज हो चुकी थी, ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. डिलैपिडेटेड मीन्स समथिंग दैट इज वोन आउट, टूटी फूटी पुरानी ढोलक को जो है वो पीटते रहे यानी कि बजाते रहे कई घंटों तक. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. वॉरियर्स क्या होते हैं? विजेता जो युद्ध में लड़कर आते हैं. तो जिस तरह से वॉरियर्स के आने पर घर में खुशी मनाई जाती है उनके वापसी पर, इसी तरह से मेरी दादी मेरे वापस आने की खुशी मना रही थी. तो कई घंटों तक वो जो है बाकी जो है नेबरहुड की जो लेडीज़ थी उनको इकट्ठा कर कर गाती बजाती रही. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमें जो है उन्हें परसुएड करना पड़ा यानी कि मनाना पड़ा, बहलाना फुसलाना पड़ा कि वो अब रुक जाएँ. टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स ओवर वर्किंग, हार्ड वर्किंग, कि हम जो है चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा थकान ना हो, इसलिए हमने उन्हें मना किया कि अब मत गाओ. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. नैरेटर कहते हैं कि मैंने बचपन से उन्हें जो है हमेशा अपनी जो है प्रेयर्स में खोए हुए देखा था, प्रार्थना करते हुए देखा था. आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपनी प्रेयर को छोड़कर गाने बजाने में लगी हुई थी, यानी कि मेरे आने की खुशियाँ मना रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या हुआ? शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, कि वो एक जो है हल्का सा बुखार था वैसे तो. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने भी हमसे कहा कि वो ठीक हो जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर वो अलग से ही कुछ सोच रही थी. शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि वो अब मरने ही वाली हैं, उनका अंत जो है पास है. शी सेड दैट, और साथ में उन्होंने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. वो कहने लगी कि मेरी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर जो क्लोज होने वाला था, मैंने उससे कुछ समय पहले ही प्रेयर करना जो है छोड़ा है. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, इसलिए मैं और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगी टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके. यानी कि वो फिर जो है अपने डेथ बेड पर थी, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी प्रेयर में लग गई, यानी कि अपनी प्रेयर उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी. वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. शी ले पीसफुली इन बेड, वो अपने बेड में चुपचाप लेटी हुई थी. प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो जो है प्रे कर रही थी, साथ में अपनी माला के मोती जो है घुमा रही थी यानी कि माला जप रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम कुछ जो है देख पाते, हमें कुछ डाउट होता उनके मरने का. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके लिप्स ने जो है हिलना बंद कर दिया. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो है लाइफलेस फिंगर्स से, जिसमें अब लाइफ नहीं थी, उनसे जो है उसके हाथों में से रोजरी यानी कि वो जो माला थी वो गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके फेस पर एक जो है शांत पीलापन जो है छा गया. एंड वी न्यू That she was dead, और हम समझ गए कि वो मर गई है. We lifted her off the bed, हमने उन्हें बेड पे से उठाया. And as is customary, और जैसा कि रीति रिवाज है, laid her on the ground, उन्हें ज़मीन पर लेटा दिया. And covered her with a red shroud. Shroud means होता है कि dead body के ऊपर जो कपड़ा जो है ढका जाता है, कफन जिसे कहते हैं, तो उनके ऊपर जो है रेड कलर का कपड़ा ढक दिया गया. After a few hours of mourning, mourning means होता है शोक मनाना, तो हमने जो है कुछ घंटे उनका शोक मनाया. We left her alone
टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और फिर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि हम चले गए कहाँ पर, फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार की करने की तैयारी में। इन द इवनिंग, और शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए विद क्रूड, क्रूड मीन्स रफ नॉट रिफाइंड स्ट्रेचर, हम उनके लिए जो है एक लकड़ी का जो है ढांचे का एक जो है स्ट्रेचर बनाकर लेकर गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उन्हें जो है क्रीमेटेड यानी कि उनका दाह संस्कार करने के लिए, क्रीमेशन होता है दाह संस्कार, तो उन्हें क्रीमेट करने के लिए हम ले जाने लगे। द सन वॉज सेटिंग, सन जो है वो ढल रहा था, सूरज ढल रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और सूरज के ढलते हुए ही क्या हो रहा था कि उनके रूम में जो है रोशनी हो रही थी सूरज से, एंड वेरांडा, और वेरांडे में भी रोशनी हो रही थी विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट कहाँ से आ रही थी, सूरज में से आ रही थी ढलते हुए, तो उसकी ही ब्लेज से, उसकी ही रोशनी से उनके रूम में और वेरांडा में रोशनी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड के बीच में रुके, ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सो पूरे के पूरे वेरांडा में और उनके रूम में जहाँ पर वो लेटी हुई थी, स्टिफ हार्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड, रैप्ड मीन्स कवर्ड इन द रेड श्राउड, श्राउड मीन्स कफन, तो वो लिपटी हुई जहाँ पर लेटी हुई थी, तो वहाँ से वहाँ तक, दूर से दूर तक, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो है सेट स्कैटर्ड बिखरी हुई बैठी थी, हर जगह बैठी हुई थी ऑन द फ्लोर, देर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज कुछ अजीब था क्योंकि किसी भी चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियाओं के लिए दुख हो रहा था, एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, फैच मीन्स होता है जाना और जाकर लेकर आना, तो मेरी मदर उनके लिए कुछ ब्रेड्स ले आई, शी ब्रॉक इट इन टू लिटल क्रम्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी मदर ने उन्हें तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी करती थी, एंड थ्री इट टू देम, और उन्हें खाने के लिए डाल दिए, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने तो ब्रेड्स की तरफ देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पैरोज भी जो हैं एनिमल्स भी यानी कि बर्ड्स भी, वो भी जो है उनके ना होने का दुख मना रही हों, ना होने का जो है शोक कर रही हों, तो स्पैरोज ने उनकी ब्रेड की तरफ जो है देखा ही नहीं, वो भी जैसे जो है भूखे बैठी हुई थी और डिसाइड करके बैठी थी कि आज हम कुछ नहीं खाएंगे। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स क्या है यहाँ पर, डेड बॉडी, कि जब हम अपनी दादी की डेड बॉडी को ले गए, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, तो जो बर्ड्स थी, जो स्पैरोज थी, वो भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, स्वीपर ने जो है सफाई करके उन ब्रेड क्रम्स को, उन ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो आपने देखा कि स्पैरोज के साथ जो है नैरेटर की ग्रैंड मदर की कितनी अच्छी जो है बॉन्डिंग थी, तो स्पैरोज भी जो है उनके दर्द को समझ रही थी, स्पैरोज भी दादी के ना होने का जो है शोक मना रही थी। तो इस तरह से जो है कितना ब्यूटीफुली जो है नैरेटर ने अपनी दादी की जो है लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया है, कितने अच्छे से जो है उनकी लाइफ का, उनके, उनका जो है कितना जो है सुंदर उन्होंने यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट हमें दिखाया है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चैप्टर, आई होप स्टूडेंट्स दैट यू लाइक्ड इट। If you like the chapter, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it for more chapters. Thank you, students.